यूपीएससी तो हर साल 1,000 बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन पीएसआईआर में राहुल पुरी सर सिर्फ आप ही हैं। आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। अरे भाई, बिना हंसे भी यह बात सुनी जा सकती है, ठीक है ना? ऐसी कोई जरूरी सी राजा मोहन गिव्स हिज थॉट एज राजमंडला, बट देयर शुड बी राहुल मंडला एज वेल, बिकॉज द काइंड ऑफ इनसाइट्स दैट राहुल पुरी सर हैज प्रोवाइडेड टू अस। 5 साल मैंने पीएसआईआर पढ़ा है अपने कॉलेज डेज में, बट 5 साल पढ़ने के बाद ही मुझे ये लगा कि क्या मुझे यहाँ आने के बाद भी मुझे अभी पढ़ने की जरूरत है फॉर एग्जाम। एंड आई हैड पुट ऑल माय लाइफ सेविंग्स इन द जीएस कोचिंग, सो आई हैड नो मनी, सो आई हैड नो मनी लेफ्ट टू डू दिस कोचिंग। एंड सर सर जस्ट सेड कि यू कम एंड विजिट मी एट द सेंटर। आई वेंट एंड मेट हिम एंड ही सपोर्टेड सो मच एंड ही सेड यू नो डोंट वरी वी'ल मैनेज इट। राजनीति के ऑक्सफोर्ड तुम आई आर ध्वजवाहक हो, कि राजनीति के ऑक्सफोर्ड तुम आई आर ध्वजवाहक हो। अभी सर राहुल सर को एक्सप्लेन कर रहे थे कि राहुल सर ऐसे हैं, राहुल सर वैसे हैं। मैंने अपने 6 महीने में कैसा ऑब्जर्व किया, उसको एक लाइन में 4-5 वर्ड्स हैं, उनसे मैं राहुल सर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि राजनीति के ऑक्सफोर्ड तुम आई आर ध्वजवाहक हो। तुम सहज सरल एकाग्र चित्त, तुम सहज सरल एकाग्र चित्त, तुम शांत सौम्य संवाहक हो। कि राजनीति के ऑक्सफोर्ड तुम आई आर ध्वजवाहक हो, तुम सहज सरल एकाग्र चित्त, तुम शांत सौम्य संवाहक हो। और आज क्लास की फेयरवेल में, कि आज क्लास की फेयरवेल में ईश्वर से यह मांगू बस, आज क्लास की फेयरवेल में ईश्वर से यह मांगू बस, काल पृष्ठ का अक्षर अक्षर, काल पृष्ठ का अक्षर अक्षर, राहुल यश का गायक हो, राहुल यश का गायक। थैंक यू। थ्रू आउट द कोर्स वी डिडंट गेट टू इंटरैक्ट एज मच एंड देयर हैज ऑलवेज बीन अ लॉट ऑफ फोमो इन दैट रिगार्ड, एंड वी विश, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर द पेरेंट्स दैट वी रियली विश दैट वी कुड अटेंड द क्लासेस ऑफलाइन, बट नेवरदलेस फर्स्ट थिंग आई थिंक after choosing the optionals in this UPSC journey, there's always second thoughts, thoughts and doubts ki dusra option le lena tha, kya ye sahi decision hai PSIR. Lekin sir ke module ke baad, specifically IR module ke baad, brahm gyan ki prapti ho gayi and jitna zyada confidence aaya hai ki baaki decisions sahi the ya nahi, Rahul sir se PSIR padhne ka decision was spot on. And I hope that all of us can go through this exam and make sir proud in the end. और sir कभी कभी joke करते हैं कि देख लो पढ़ लो वरना मेरे जैसे पढ़ाओगे exam निकाल लो, तो sir I just want to say that UPSC तो हर साल 1,000 बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन PSIR में राहुल पुरी सर सिर्फ आप ही हैं, तो thank you for that sir. क्या बात है। Although it's an honor to stand over here to share the dais with Rahul Puri sir today, like when most of us were searching for coaching material and everything for PSIR, the only question were other brands that were floating in the market, but like there were certain fictitious brand names also, but the only thing that attracted me and like most of us attracted was Rahul sir's IR background and his insightful cotillion analysis that he gives. Although Rajmandala calls himself as C. Raja Mohan gives his thought as Rajmandala, but there should be Rahul Mandala as well, because the kind of insights that Rahul Puri sir has provided to us in the IR domain, simplification of the political theory, that is part A of the paper. Sorry, मेरी हिंदी मिश्रा जी की तरह तो अच्छी नहीं है, पर कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वता से मुखरित मधुबन, पर हति अर्पित अपना तन मन, जीवन को सच सच आहुति में जलना होगा, गलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और शायद यूपीएससी की जर्नी भी हमें यही सिखा रही है कि जितना हम अपने आप को जलाएंगे गलाएंगे, लिटरली मत लेना, उतना ही शायद हम एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बन के सिलेक्ट हो पाएंगे। थैंक यू। 5 साल मैंने पीएसआईआर पढ़ा है अपने कॉलेज डेज में, बट 5 साल पढ़ने के बाद ही मुझे ये लगा कि क्या मुझे यहाँ आने के बाद भी मुझे अभी पढ़ने की जरूरत है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, राहुल सर के साथ पढ़ने का मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा नया आप सीख रहे हैं जो आप वाकई में आपके जीवन को एक नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश करता है। लोकतंत्र का सही मतलब अगर कहीं मुझे जानने को मिला है तो वह राहुल सर के पास आकर मिला है। और इसी मतलब को, इन्हीं सब बातों को जब मैं अपने अंदर सोचता हूँ तो कभी ना कभी मुझे ये महसूस होता है कि शायद ये जो सफ़र रहा है मेरे इतने दिनों का, ये मेरे साथ जब जाएगा तो मैं अपने आप उस मकाम तक पहुँचने की अपने अंदर वो आत्मविश्वास लाऊंगा जो शायद मेरे साथ पहले नहीं आ पाता। और इसी के साथ बस आपसे विदा लेता हूँ कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, आप सबकी मोहब्बत अगर साथ होगी, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं आप भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सो आई जस्ट लाइक टू कंट्रीब्यूट समथिंग, बिल्डिंग अपॉन व्हाट विकास सेड, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। अरे भाई बिना हंसे भी ये बात सुनी जा सकती है, ठीक है ना, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। बट द थिंग इज़ मैं यहाँ के एक्सपीरियंस को अपने ग्रेजुएशन से लिंक करना चाहूँगा। एक्चुअली हमारे यहाँ वाइवाज होते हैं, राइट? जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा होगा वो जानता है कि वाइवा में जब सामने एग्जामिनर बैठता है तो उसका एक एम होता है कि मैं इसको कोई जवाब नहीं देने दूंगा। तो वो जब हमारे साथ होता है, हम लोग बात बात में बोलते हैं सर आई डोंट नो। मेरे साथ सर एक वाइवा हुआ था, उसमें मेरे एग्जामिनर ने 5 सवाल पूछे थे, मैंने हर जवाब दिया था सर आई डोंट नो। सो ही आस्क्ड व्हाट डू यू नो, सर आई नो नथिंग। देन आई केम टू दिस बैच एंड व्हेन वी वर स्टडिंग political philosophy, we came to know about Socrates, who said the first step to wisdom is not knowing anything, therefore Socrates was the great, was the wisest person. So वहां से लेके यहाँ तक जो I don't know था वो एक बहुत ही अच्छे तरीके में convert हो गया था। So now when I say I don't know and people laugh कि मतलब इस aspect पे, when I say I'm an engineer and I don't know stuff, and then people laugh, I don't feel bad at all. I think हाँ, अब एक constructive तरीके में I can say that I am on the path to wisdom. So for that I'd really like to thank sir. दूसरा एक और चीज़ मैं share करना चाहूँगा कि हम लोग जब भी class में बैठते थे, हम मेरी GS से start हुई थी यहाँ पर preparation, मैं weekend batch में था सर के साथ, और हमारी IR की हर class में जो GS की होती थी, sir would ask why. हर क्वेश्चन के बाद एक वाई जरूर आता, क्यों क्यों क्यों, मतलब हमें नहीं पता क्यों भाई, हम क्या जाने क्यों, मतलब बख्श तो बट वो क्यों जो था वो एक तरीके से इट वाज एम्ड एट एनेबलिंग अस टू फाइंड आउट मोर, टू लर्न कि भाई क्यों हो रहा है, हमारी क्यूरियोसिटी एनहेंस हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। सो व्हेन आई कपल दिस वाई विद आई डोंट नो, now I can say that I do know something. It's not everything. I can't know everything. After all, I'm an engineer. PSIR वाले जो background के हैं वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं. But I can say that with all that I have endured here in this batch, I have learned something, and I'm sure all of you have as well. And I hope to take that forward in my selection. Thank you, sir. दो मेरा कोई बोलने का प्लान था नहीं पहले से, बट स्पेसिफिकली टू दोज बडिंग पोएट्स, कि एक बार ना मैं ऐसे ट्रेन में जा रहा था तो एक मुसाफिर ने मुझसे पूछा कि हाँ जी आप क्या करते हो, तो मैंने बोला कि मैं कविता लिखता हूँ, उसने हाथ जोड़ लिया, माफ करना मैं बहरा हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू इंक्लूड वन थिंग, मैं सर को यूजली बोलता रहता हूँ कि सर यू आर द सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम द रो, बिकॉज इतनी डिटेल्स किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती। So I want to include one incident when sir told us that कि Doklam invasion का region क्या था, कि ONGC विदेश लिमिटेड ने जो है वो वहाँ पे ताइवान के जो उसमें वो किया था, तो और forces वापस कैसे गई, that was also
of the that India cancelled that ONGC Videsh Limited cancelled that project of excavating the that natural gas from the shores of Taiwan, I think. Vietnam. Just says we are nothing else. So here I want to quote Ramdhari Singh Dinkar ki chamashil ho ripu samaksh tum hue bhi nahi jitna hi dusht korvo ne tumko kayar samjha utna hi sach pucho to sharme hi basti hai dipti vinay ki sandhi vachan sampujya usi ka jisme shakti vijay ki. So this is the hardcore realism that I learned from the Puri sir, because toothless snake can't bite. If we are having power, then we can deter the world. So you are the all are the bureaucrats of the future that I will expect from you guys to work for the country and nothing else. And being the just people called me ultra nationalist nationalist from this group only. So nothing like that. Being a like sir also said ki jo idea of Hindu Rashtra is wrong, idea of Akhand Bharat is not wrong. So let's make Akhand Bharat, not Hindu Rashtra. Hello everyone, I am Maitri. I study in the online batch. मेरे पास कोई poems नहीं है sir, quotes नहीं है, but just एक personal experience है. So this one time I happened to join this optional, which optional to choose, the Rao's orientation, not orientation, a discussion with the faculty. So just like that, I had come back from office and I joined it. I was so I happen to be a person who chose subjects for bachelor's and master's, which do not exist as options for UPSC. So I was thinking what to do. Should I go for sociology or PSIR? Because I come from a humanities background. So I asked a question to sir, ki sir, इतने डिसर्टेशन लिखे हैं, सब लिखा है, 200 वर्ड्स में पॉलिटिकल साइंस कैसे की जाती है? एंड ही सेड टॉक टू मी आफ्टर क्लास एंड आई हैड पुट ऑल माय लाइफ सेविंग्स इन द जीएस कोचिंग सो आई हैड नो मनी लेफ्ट टू डू दिस कोचिंग एंड सर जस्ट सेड कि यू कम एंड विजिट मी एट द सेंटर आई वेंट एंड मेट हिम एंड ही सपोर्टेड सो मच एंड ही सेड यू नो Don't worry, we'll manage it. You just study, we'll manage the finances. And somehow I was able to manage the finances, but sir played such a huge role because that was an entry barrier for me to even start studying, to not being able to afford a course. And sir just, he was so optimistic about everything. So I think that was very, very commendable of sir, and it really helped me. He is the reason why I was able to attend all of these about 150 classes. insane. The other thing is that in humanities, all of us are so cocky in all of our colleges, and I come from one of these top lists. And everybody is so cocky, they start studying Marx with the criticism of Marx. So we never essentially get to know what Marx said. So I was doing deep and deep readings of everything in my bachelor's and master's, but I understood the meaning of everything from an engineer. So I think that's a magic that can only happen with Rahul sir. So thank you sir, and thank you to all of you guys, because being a working professional, it was so difficult for me to attend classes, make notes and do everything. And this batch is, I don't know, some extremely compassionate people. Every single day, the entire class note would be shared by multiple people in printed and handwritten versions. So I think thank you all of you for that. Thank you. सबसे पहले तो थैंक यू ही करना चाहूंगा सर को. थैंक यू सर. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक पोएम है छोटी सी, मैंने लिखी थी खुद के लिए, लेकिन आई थिंक कि सभी के लिए यूजफुल हो सकती है. पोएम इस बारे में है कि अपने जो भी टैलेंट्स हैं उसको यूज कर से बात बनती है, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक, या कभी अगर बात बिगड़ भी गई हो तो उसको बाद में सुधारा भी जा सकता है. अगर पहले हमने मेहनत नहीं की, बाद में भी किया जा सकता है. उसके बारे में बस
8-10 लाइन है। पोएम का नाम है तलवार। पड़ी हुई तलवार को म्यान बचा ना पाई, पर मुझे लगे कि म्यान ने खुद तलवार चबाई। तलवार जो निकली पता चला कि जंग थी उस पे छाई, बस एक वार से टूट गई और हुई वो धाराशाही। समय पे जगते उसे उठाकर चीरते सबकी छाती, सब कहते हैं तुम भी जानो ना कभी ये नौबत आती। दिन रात जतन कर जोड़ जोड़ कर फिर तलवार बना ली, निर्भय होकर कवच पहनकर सेना भी बुलवा ली। पुनर्गठित तलवार छोटी पर तनिक नहीं बेकार, पहले से है और नुकीली और तेज है धार।